नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। देखिए, एक नए तरीके के डोरमेंट लेके आई हूँ, नई डिज़ाइन कलियों के साथ, दो कलर में है। और देखिए, मैंने कम फंदे में बनाए हैं, 21 फंदे में, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए, आधा कली बनके तैयार हो गया है, आधी डोरमेंट बन गई है। तो देखिए, ये आज मैं बना के बताऊंगी कि कैसे बनेंगे। बहुत ही प्यारा है और जल्द बन भी जाती है। तो देखिए किस तरह से बनेंगे ये। 10 नंबर की मैंने सिलाई ले ली है और सिंगल ऊन है। तो देखिए कैसे बनाना है, यहीं से मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि यहीं से फंदे मैंने डाले थे। तो ये वाली ये लाइन बनाई हूँ डिजाइन, और बाकी यहीं से शुरुआत होगी कली। तो मैं कली बना के बताती हूँ यहीं से। देखिए, पहले क्या करना है, हम इसमें एंटा मार के फंदे, एक फंदे बढ़ा लेंगे इस तरह से, और बाकी फंदे को हम ये वाली कलर से बनाएंगे। तो सारे फंदे मैं इसी कलर से, येलो कलर से बनाऊंगी, और ब्लैक कलर से इसकी कली तैयार होगी। ये जो किनारी है कली की, ये तीन तीन फंदे मैं लास्ट में छोड़ रही हूँ, नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से, कलियों में एक एक फंदा बढ़ा के कली तैयार कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये तीन फंदे मैंने छोड़ दिए हैं, और धागा पलट के इस साइड आ गई, सीधी साइड। यहाँ क्या करना है, धागा को हम पीछे कर देंगे और ब्लैक वाले अपने साइड करके, इस तरह से क्रॉस करके अपने साइड करके, ये दो फंदे जो है इसे हम ब्लैक से बना लेंगे। और हर एक सिलाई में उल्टी साइड से ये कली तैयार होगी। तो एक फंदे इस तरह से हम बढ़ा लेंगे इसमें, तो एक एक फंदा बढ़ के हम इस तरह से तैयार करेंगे। तो इसमें मैं कलियों में 7 फंदे बढ़ाऊंगी, एक फंदा तो पहले का है ही, और 6 फंदे और बढ़ा लूंगी। देखिए 3 फंदा पहले का है और 3 फंदे अब छोड़ रही हूँ। ये हो गए 3 फंदे, 3 फंदे 6 फंदे छूट गए। तो इसी तरह से ये तैयार होगी। तो 3-3 फंदे मैं छोड़ लेती हूँ यहाँ तक, फिर मैं आपको बता। देखिए मैंने 2-3 फंदे करके छोड़ दिए हैं, 1-2-3-4-5 लाइन मैंने छोड़ दी। अब छठी लाइन छोड़ूंगी, देखिए कैसे छोड़ना है। और इसमें 2-2-4-6 फंदे हो गए हैं, और एक फंदे और बढ़ाऊँगी। देखिए इस तरह से आपको फंदा बढ़ाना है। तो ये कली, नुकीले कली तैयार होती है इसमें। देखिए अब हम मैं इसमें 2 ही फंदे बनाऊंगी, ये 3 फंदे छोड़ दूंगी और यहीं से पलट लूंगी। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा फंदा बुन ली, और फिर मैं इस ब्लैक से बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से ये कली तैयार होगी, और ये डोरमेट का डिजाइन। अब क्या करना है, देखिए अब हम इस सारे फंदे को, 6 फंदे बढ़ाए हैं तो 6 फंदे हम कम कर लेंगे इस तरह से, 2 का 1 2 का 1। कम हो गए फंदे। अब क्या करना है, अब हम डिजाइन डालेंगे, ये वाली डिजाइन डालेंगे। ये लाइन जो बनी है, ये लाइन हमें डालना है। तो इसमें क्या करना है, एक ब्लैक बनाएंगे तो एक येलो कलर की, फिर हम एक ब्लैक, फिर एक येलो,
इसी तरह से हम सारे फंदे एक एक करके बना लेंगे। एक सिलाई हो गई पूरी है। अब क्या करना है, सीधी साइड से भी उसी तरह से हमें बनाना है जिस तरह से मैं उल्टी साइड से बनाया है। देखिए इस साइड से भी हमें क्या करना है, एक फंदे ब्लैक की तो एक फंदे येलो की बनाने हैं इस तरह से। उल्टी साइड से जैसे बनाई हूँ उसी साइड से इस साइड भी बनाऊँगी। बनाना बहुत ही आसान है और जल्द बन भी जाती है। फंदे अपने हिसाब से आप डाल लें जितना बड़ा बनाएं। आप क्या करना है, देखिए दोनों फंदे हम इस तरह से ले लेंगे तो ये डिजाइन पूरी अच्छी लगेगी देखने में। देखिए फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे यहाँ इस तरह से, धागा ऐंठ लेंगे इसमें सिलाई में और इस तरह से एक फंदे बढ़ गए और बाकी फंदे को हम एलो से बना लेंगे इस तरह से, एक एक करके इस तरह से बना लेंगे और लास्ट तक बनाएंगे और नीचे के साइड से तीन फंदे हम छोड़ देंगे। तीन फंदे लास्ट के छोड़ देंगे, यहीं से पलट लेंगे सिलाई को और फिर उसी तरह से हम बनाएंगे जिस तरह से मैंने पहले बनाया। देखिए फिर से हम ये धागा पीछे कर लेंगे और ये येलो वाले हैं इसे ऐसे करके और इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए फिर से हम देख लीजिए एक बार, आप इस तरह से ऐंठा मार के फंदे बढ़ाएंगे तो तीन फंदे बढ़ गए और बाकी को हम एलो से बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए कैसा लगा आपको ये नया डोरमेट का डिज़ाइन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में दोस्तों, नमस्ते।